भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के सांसद दिलीप घोष लालकुआ पहुंचे और उन्होंने निजी होटल में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट सहित मंडल के कई नेताओं से मुलाकात करते हुए संगठन के कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान नगर मंडल नेताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए संगठन के मामलों में टिप्स लिए। बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के सांसद दिलीप घोष 2 अक्टूबर से उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसमें नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा सहित कई जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दौरे के अंतिम दिन लालकुआ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से दूरियां बनाते हुए निजी प्रवास का हवाला दिया। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इससे पूर्व अपने निजी कार्यक्रम में नैनीताल के बंगाली समुदाय के साथ मुलाकात कर उनके आवास पर भोजन कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही अल्मोड़ा में चल रहे रामलीला के कार्यक्रम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर भाजपा संगठन को लेकर चर्चा की, जिसके बाद वे ट्रेन से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। लालकुआ से मुन्ना अंसारी। अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के सांसद और हमारे पूर्व में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था 2 तारीख से भीमताल, फिर उसके बाद इनका पुरानी खेत, फिर अल्मोड़ा, 2 दिन से नैनीताल और आज उनका वापसी थी। तो मैं भी सौभाग्य से यही था, क्योंकि इस कार्यक्रम को मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप उसकी चिंता करें, तो उस नाते में आज प्रातः से उनके साथ हूँ। अभी सभी कार्यकर्ताओं ने लालकुआ के मंडल अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है और आज खुशियों।